हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनोरंजन बी। ब्लॉकबस्टर मूवी द केरला स्टोरी के बाद अदा शर्मा का स्टारडम इन दिनों आसमान छू रहा है। एक्ट्रेस अदा शर्मा साउथ इंडस्ट्री की जानी पहचानी एक्ट्रेस हैं, लेकिन द केरला स्टोरी से उन्हें जो सक्सेस मिली है वो किसी और फिल्म से उन्हें हासिल नहीं हुई। इसी को लेकर अदा शर्मा के फैंस के कुछ सवाल थे जो वो अदा शर्मा से कर रहे थे। उन्ही सवालों के एक्ट्रेस ने जवाब दिए हैं। तो क्या थे फैंस के सवाल जिनका जवाब अदा शर्मा ने दिया है, आइए जानते हैं। फैंस ने एक्ट्रेस से पहला सवाल ये किया कि केरला स्टोरी के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, जिसका जवाब देते हुए अदा ने कहा कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आया है, लेकिन पर्सनली उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। वो जिस तरह अपनी जिंदगी पहले जीती थी उसी तरह से आज भी वो अपनी जिंदगी जीती है, लेकिन लोगों के नजरिए में काफी बदलाव आया है। जो लोग उन्हें पहले इम्पोर्टेंस नहीं देते थे वो अब उन्हें इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई बुरे इंसान आपकी सक्सेस को देखकर आपके साथ अच्छा बन जाए। एक्ट्रेस से दूसरा सवाल ये किया गया कि क्या केरला स्टोरी के बाद वो लेजी हो गई हैं, जिसके जवाब में अदा शर्मा लिखती हैं कि बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल भी लेजी नहीं है, बल्कि जो फिल्म उनकी आने वाली है उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। अदा ने लिखा कि उनकी फिल्म द केरला स्टोरी देखते हुए उनके फैंस थिएटर में रो पड़े और अब वो एक ऐसी फिल्म कर रही है जिसको देखते हुए उनके फैंस हंसेंगे। एक्ट्रेस ने कहा कि वो ऐसा करने की कोशिश करती हैं जैसा उन्होंने पहला कभी ना किया हो और उनके फैंस को स्क्रीन पर कुछ नया देखने को मिले। हालांकि अदा शर्मा को ट्रोल करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि जब से द केरला स्टोरी मूवी आई है तब से उनके पोस्ट काफी धार्मिक हो गए हैं। उससे पहले तो वो बॉडी रिवीलिंग ड्रेस पहना करती थी, लेकिन फिलहाल वो अपना धार्मिक होने का दिखावा करती हैं। जिसके जवाब में अदा ने कहा कि वो पहले भी धार्मिक थी, पहले भी पूजा पाठ किया करती थी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा लोगों को लगता है तो ये उनकी गलतफहमी है। फैंस के सवालों का जवाब देते हुए एक्ट्रेस अदा शर्मा का कैप्शन काफी लंबा हो गया, जिसके बाद उन्होंने लिखा कि अगर मैं लेजी होती तो इतना लंबा कैप्शन नहीं लिखती, इसलिए मैं लेजी नहीं हूँ। अदा की आने वाली मूवी के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।